बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सना बतूल और आप देख रहे हैं सना बतूल फूड व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी। जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें और आबाद रहें। आते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं एकदम से मतलब चिकन जो है झटपट कैसे बनाती हूँ, और आपके साथ भी शेयर करूँगी कि आपका चिकन जो है ना हार्डली मतलब 40-45 मिनट में बनकर रेडी हो जाना है। मतलब गेस्ट के आने से पहले आपको अगर घंटा पहले भी पता चलता है कि गेस्ट आ रहे हैं, तो आप मज़ेदार किस्म का फटाफट चिकन निकालें और इस तरीके से आप रेडी करें। आप यकीन करें कि आप भी कहेंगे कि ये तो बहुत फटाफट बन गया है। सिंपल इन्ग्रीडियंट्स हैं, बिल्कुल सिंपल, वही चीज़ें डलेंगी जो घर में मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें आप, ये मैंने लिए हैं 2 अदद मोटे प्याज काट लिए हैं मैंने, ये 2 अदद मैंने लिए हैं टमाटर, 7 से 8 जवे हैं लहसुन के, अदरक अभी नहीं जाएगा, और ये है चिकन के 12 से 14 पीसेस। ठीक हो गया। ये तो सिस्टर्स यहाँ पे मैंने लिया है प्रेशर कुकर, इसमें मैंने डाला है 1.5 गिलास के करीब पानी, साथ में गया ये इसमें प्याज, साथ में गया ये लहसुन, साथ में गया टमाटर। ठीक हो गया। और अब इसको कर देंगे बंद 10 मिनट की स्टीम के लिए। ठीक हो गया। सो सिस्टर्स, यहाँ मैंने अब एक तरफ मैंने अपना जो है मसाला जो है वो रख दिया है प्रेशर कुकर में आपके सामने, सिंपल प्याज लहसुन और टमाटर डाल के। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 प्याली के करीब ऑयल, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 अदद दालचीनी का पीस, 1 अदद हरी इलायची, 1 अदद मोटी काली इलायची, 1 अदद लौंग और 4 से 5 काली मिर्च। ठीक हो गया। ये गैस के अंदर सिस्टर्स मैंने डाल दिए हैं खड़े मसाले। अब मैं 1 बाय 1 अपना चिकन जो है, ये फुल एक चिकन है, इसको मैं फ्राई करूँगी लाइट सा ऑयल के अंदर। मैं चिकन की कोई भी रेसिपी हो, चिकन को मैं मस्त फ्राई करती हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये झटपट इसका जो है ना, ये है कि ये झटपट बन जाएगी। अब देखिए, एक तरफ हमने मसाला रखा है, दूसरी तरफ हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। फिर मैंने अपना चिकन जो था वो डाल दिया था, अब इसकी हम साइड चेंज कर करके, ये देखें जो कलर चेंज हो गया, अगर बस इसको इस तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी अपने चिकन को। ये तो फिर यहाँ पर मेरा चिकन फ्राई हो रहा है। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून फ्रेशली जिंजर का पेस्ट, वो डाल दिया मैंने। अब चिकन जिंजर के पेस्ट के साथ हम चिकन अपने को, ये तो सिस्टर्स आप देख सकती हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने जो अपना चिकन है वो जिंजर पेस्ट के अंदर जो है वो गोल्डन कर लिया है। मेरे कुकर की जो विसल है उसको इग्नोर कीजिएगा, वो बीच में शां शां कर रही है। तो बस ये अब मेरा डन हो गया है। ठीक है, अब इसके नीचे से मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, और 5 मिनट मेरे प्रेशर को चलते हुए हो गए हैं। 5 मिनट के बाद, मतलब 10 मिनट मैंने बोला था, 10 मिनट में मेरा मसाला नरम हो जाएगा, फिर हम मसाले को जो हमें नेक्स्ट जो प्रोसेस करना है आपके साथ करते हैं शेयर। ये तो सिस्टर्स, ये मेरा मसाला है जो मैंने कुकर से निकाल लिया है। ठीक है, इसको आपने ठंडा कर कर तो ये 1 प्याली दही के साथ ब्लेंड कर लेना है। ठीक हो गया। ये तो सिस्टर्स, ये मैंने अपना जो प्रेशर में मसाला बनाया था प्याज लहसुन और टमाटर का, उसको मैंने 1 प्याली दही में कर लिया है ब्लेंड। ठीक हो गया। अब इसको मैं डालूंगी अपने फ्राई चिकन के अंदर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब मैंने इसमें सिंपल स्पाइसेस ऐड करने हैं, सिंपल बिल्कुल। ये देखें, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 2 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है और 1 टीस्पून है नमक। जी तो सिस्टर्स, मैंने इसमें आपके सामने सिंपल जो है वो स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। ठीक हो गया। अब ये इसी में जिसमें मेरा मैंने अपना पेस्ट ब्लेंड करके डाला था, उसमें मैंने 1/2 ग्लास लिया है पानी। आपको पता है चिकन हमने फ्राई किया हुआ है, अब बस सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए मैं इसको स्टीम दूंगी। मतलब स्टीम का मतलब है कि ये वाली स्टीम, लिड ऊपर करके इसको कवर कर दिया है बस, क्योंकि चिकन फ्राई हुआ हुआ है, बस सिर्फ 10 मिनट्स के लिए हमने इसको मतलब रखना है स्टीम पे। ये तो सिस्टर्स, चिकन को टेंडर करने के लिए मैंने इसके ऊपर लिड दिया था, 1/2 ग्लास पानी ऐड करके, और ये देखें आप देख सकती हैं कि पानी जो है सारा बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब बस अब आंच तेज कर कर अपने चिकन की करेंगे भुनाई। ठीक हो गया। ग्रेवी भी देख लें, बहुत बिल्कुल सिल्की स्मूथ ग्रेवी बनी है, और ये ग्रेवी भी ऐसी है मतलब कि एक एक फुल चिकन के हिसाब से ये बिल्कुल एग्जैक्ट है।
बिल्कुल खुश खुश भी नहीं है। और अगर आपने इसमें पानी ऐड करना है, मतलब आपने शोरबे वाला चिकन इसको बनाना है, तो आपने पानी इसमें गर्म कर कर ऐड करना है। ठीक हो गया, पानी इसमें हाफ ग्लास या आपने शोरबे के जितनी आपने कंसिस्टेंसी रखनी है एक ग्लास आपने डालना है। तो पानी आपने गर्म डालना है, कच्चा पानी आप नहीं डालेंगे। कच्चा पानी जब हम डालते हैं चिकन में तो वो फिर यकजान नहीं होता, वो फिर शोरबे वाला चिकन में जो है ना वो पानी अलहदा अलहदा और बोटियाँ अलहदा अलहदा। जी तो सिस्टर्स ये देखें, भुनाई एकदम परफेक्ट हो गई है। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, इसका कलर भी आप देख लें कितनी खूबसूरत कढ़ाई लग रही है और झटपट बनी है। 10 मिनट आपने स्टीम देनी है। ठीक हो गया, उतनी देर में आपने चिकन फ्राई कर लेना है दूसरी तरफ, फिर आपने चिकन अपने मसाले को दही में ब्लेंड कर लेना है, फिर इसको आपने हाफ ग्लास पानी डालकर इसको चिकन को टेंडर कर लेना है और देन इसके बाद ये देखें भुनाई कर लें 5 to 10 minutes और ये देखें फाइनल लुक। ठीक हो गया, अब इसको करते हैं डिश आउट। जी तो सिस्टर्स आप मेरी झटपट चिकन कढ़ाई जो है वो देख सकते हैं कितने मज़े की बनी है। इसकी आप ग्रेवी भी चेक कर लें, ग्रेवी का टेक्सचर भी चेक कर लें और चिकन भी मेरा बहुत मज़ेदार, बहुत टेंडर, बहुत जूसी बना है। ठीक हो गया, उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपके घर में भी अचानक आपको मतलब पता हो कि घंटे तक गेस्ट आ रहे हैं, आधे घंटे तक आ रहे हैं, तो देन आपकी ये बहुत जल्दी इजीली क्विकली आपकी ये चिकन हांडी जो है रेडी हो जाएगी। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।